वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है कि किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्राइमरी क्लास में हो, मिडिल में हो, हाई स्कूल का हो, कॉलेज गोइंग हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, किसी भी तरह का पर्सन हो जिसके लिए इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस है, बेसिक ग्रामर जरूर आनी चाहिए। तो हमारा जो वीडियो शुरू हो रहा है और जो ये सीरीज शुरू हो रही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसको मैं बहुत दूर तक लेके जाने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैं लगातार कई हफ्तों तक चलाने वाला हूँ, जिससे कि कोई भी वर्किंग पर्सन हो, कोई भी काम करने वाला हो, हाउसवाइफ हो, बच्चे हो, या कोई पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ग्रामर पे मजबूत पकड़ के लिए हमने आज ये सीरीज शुरू करी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल, बहुत लोगों को पता होगा। और टेंस क्या होता है, इट टेल्स वेदर द एक्शन इज डन इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। टेंस बताता क्या है हमें कि जो काम है, जो एक्शन है, वो हुआ कब है, अभी हुआ यानी कि प्रेजेंट में हुआ, पहले हो चुका है पास्ट में, या भविष्य में होगा यानी कि फ्यूचर में। तो टेंस हमें ये नॉलेज देता है एक्शन कोई भी काम प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ठीक, टेंस के मेनली थ्री टाइप्स है, थ्री टाइप्स बहुत सिंपल है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हिंदी में वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। हिंदी से ही कुछ लोगों को हिंदी से इंग्लिश करने में थोड़ा सा आसानी होगी स्विच करने में। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो मेनली थ्री पार्ट्स है और ये है हर टेंस के पार्ट्स। ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स, हर टेंस के फोर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कंबाइंड अगर करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनेट इसी तरह से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फोर फोर और फोर पार्ट अगर आप कंबाइंड कर दें तो इनके कंबाइंड पार्ट हो जाते हैं 12। तो टेंस मेनली वैसे तो थ्री होते हैं, लेकिन हर किसी के थ्री पार्ट्स, फोर पार्ट्स भी होते हैं, जिससे कंबाइन करके बन जाते हैं 12। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन, तो ये थी एक बहुत छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आज के वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताया कि टेंस क्या है, कि कोई भी सेंटेंस है जो हमें बताएगा, जिसमें टेंस बताता है वेदर द एक्शन इज डन इन प्रेजेंट और इट हैड बीन डन इन पास्ट, क्या ये पास्ट में हुआ है या ये फ्यूचर में हुआ होगा। और मेनली इसके थ्री पार्ट्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर पार्ट, हर टेंस के फोर पार्ट्स भी होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक मैं आपको आज के वीडियो में बताया हूं टेंस, उसके मेनली थ्री टाइप्स और हर टाइप के फोर पार्ट्स। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करना चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लो ताकि लगातार नोटिफिकेशन इसकी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।